नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विकास खंड बक्सी का तालाब क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत दरियापुर के गांव बाजपुर गिगौरा के ग्राम निवासी कमलेश का कहना है कि बाजपुर गांव में ध्वस्त नालियां, उसमें भरा हुआ कीचड़ व गांव वालों को काफी परेशान करता है। सफाई कर्मी गांव में हमने कभी नहीं देखा, इतनी गंदगी सड़क पर रहती है कि कोई सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आता। सड़कों पर भरा हुआ कीचड़ आने जाने में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि ग्रामीणों का यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत सचिव पूजा कुमारी भी हमारे ग्राम में कोई विकास कार्य नहीं किया। गाँव वालों ने कहा कि शौचालय योजना के अंतर्गत अभी कई लोगों को शौचालय नहीं दिया गया है। एक शौचालय पर नाम चढ़ाकर फोटो खिंचवा कर फिर वही नाम दूसरे का चढ़ाया जाता है, फोटो खिंच जाती है सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। वहीं बक्सी का तालाब तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत दरियापुर के बाजपुर गांव में नल 3 महीने से खराब पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करके सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। विकास खंड अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि नल रिपेयर कराने के लिए भेजा गया है। गांव में जो गंदगी व नालियों की गंदगी सफाई कर्मी लगवा कर साफ करवाई जाएगी। जो नालियां टूटी फूटी हुई हैं, उनको दुरुस्त करा कर सही करवाया जाएगा। दादा, आपको शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला सर। अच्छा, तो प्रधान से कहते हैं तो क्या? प्रधान से कहे थे सब उधर आधार उधर सब कहाँ सौ रहते थे ये समझा दे। अच्छा, तो दूसरी बात है, हड़का दे कि मतलब पैसा दो, इतना पैसा हम देंगे तो इतना हमको मिलना चाहिए। पैसा मांगते हैं? हाँ, वो अपनी तरफ से मतलब डस्ट ला के बालू ला के बनवा देते हैं, पीला ईंटा ला के बस वही चलो हो गया तुम्हारा काम। अच्छा, सचिव जानते हैं सब चीजें? सब लोग सबको सचिव नहीं आते आते नहीं देखने। ये कौन सा गांव है? बाजपुर। ये बताइए, आपके यहाँ सफाई कर्मी कब से नहीं आया? सफाई कर्मी तो हमने देखा भी नहीं आया, यहाँ आता होगा तो उस तरफ भी चला जाता, लेकिन यहाँ कभी भी नहीं आया। आपके दिन नहीं आता? नहीं आता। तो नालियाँ कौन साफ करता है? नालियाँ कौन साफ करता है? हम लोग साफ करते हैं, साफ करते ही अपने जिसके सामने नाली होगी घर के पास गंदा पानी भरा रहेगा, रोग की बीमारी फैलेंगे, बच्चों की दिक्कत होगी, बड़े बड़े अपने आप साफ करता है, बच्चे बीमार पड़ जाते कौन पैसे देता? अच्छा, ये बताइए कभी यहाँ पे सिगरेटरी महोदया आई है? आई है, लेकिन जो है नाम रखे आई है, काम कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत की है संबंध में? हाँ हाँ, सामने आई है और कई बार हम लोगों ने शिकायत की है। क्या आश्वासन दिया? यही कहा कि बन जाएगी, ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में हुआ कुछ नहीं है। कितने दिनों पहले शिकायत की थी आपने? काफी दिनों पहले आई थी, अभी काफी दिन से आई नहीं। और क्या समस्या है? यहाँ पानी भर जाता है बरसात में, रास्ते में निकलने वाला नहीं होता, बच्चों को दिक्कत होती है, हम लोग को दिक्कत होती है बाहर आने जाने में, खेत जाने में, बच्चे जब जाते हैं तब गिर के आते हैं। भाई साहब, गांव का नाम क्या है? बाजपुर गिगौरा। बाजपुर गिगौरा। तो ये नल कब से खराब पड़ा हुआ है? 3 महीने हो गए लगभग। 3 महीने से नल से पानी नहीं आ रहा है? जो भी यहाँ का निवासी गांव का आता है, शाही में बैठता है, तो उसको पानी पीने को नहीं मिलता? नहीं नहीं, नहीं। भाई साहब, क्या नाम है? रंजीत कुमार यादव। ये दरियापुर का गाँव बाजपुर है ना? जी। अच्छा, तो क्या शिकायतें हैं आपको? आपका सचिव यहाँ काम नहीं करवा रहा है, जो ग्राम सचिव है? आप तो देख ही रहे हैं, कैसे बार हम लोग बोले हैं, कैसे बार करा देंगे, कहीं देखने नहीं आते। अब देख लीजिए, कई बार शिकायत करे? अरे 3-4 बार हम लोग बुला के किए हैं। ठीक, किसको बुलाया? सेक्रेटरी को, सबको दिखा दिया, प्रधान को दिखा दिया, सेक्रेटरी को दिखा दिया, विधायक को दिखा दिया, हमने सबको दिखा दिया। एक बार देख के कोई दोबारा सुनते हैं? एक बार आता है, सफाई कर लिया, देंगे हम, कभी नहीं आता है, कभी आता ही नहीं, ये बोल के बस चले जाते हैं। अरे कभी आते नहीं है।